खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर काम कर रही ठेका कंपनी एसएमएस की दबंगई खुलकर सामने आई। दरअसल कंपनी के 700 कर्मचारियों ने हक की मांग उठाई तो करीब 25 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके विरोध में करीब 550 कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी और इसी दौरान कर्मचारियों ने ठेका कंपनी के गेट के सामने इकट्ठे होकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन की सूचना पाकर खेतड़ी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को समझाइश का काफी प्रयास किया गया, लेकिन कर्मचारी आखिरकार अपनी मांगों पर अड़े रहे। पिछली 23 तारीख से हम मजदूर हड़ताल पे सभी बैठे हुए हैं अपने ईएल मेडिकल और समान वेतन के लिए, लेकिन अभी मैनेजमेंट को आरएलसी ने 4 बार बुलाया है, मैनेजमेंट ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसको न क्षेत्र से मतलब है, न प्रोटेक्शन से मतलब है, मैनेजमेंट थाना साई पे उतर रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आंदोलन और उग्र होगा और होने वाले नुकसान और क्षेत्र के नुकसान की जिम्मेदारी एसएमएस मैनेजमेंट और एचसीएल मैनेजमेंट की होगी।